السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى جميع من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها वही मसूर शाहरीज मोहतरम सामनी और इस्लामी भाइयो आज के दरस में हम इनशा ख़ुवा की जिम्मेदारियों से मतलब चंद अहम बातें पेश करेंगे क्योंकि घर की जो असल ज़िम्मेदारी होती है वो ख़वातीन पर होती है घर जन्नत निशान कब बनता है शौहर रोज़ी कमाए और औरत और घर को संभाले घर जन्नत निशान उस वक्त बनेगा जब कमाई की ज़िम्मेदारी शौहर निभाए पैसा कमा कर दे और बीवी घर को मनज़म करे बीवी घर की हिफाज़त करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है तुल फी बैत जू जी हा अगर ये सवाल किया जाए कि औरत की जिम्मेदारी क्या है तो इसके जवाब में यह हदीस सामने आती है वलमर अतरा तुल फी बैत औरत अपने शोहर के घर में जिम्मेदार है फी ब जो जी शोहर के घर में जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा खुलासे कलाम यह कि शोहर का काम कमाना है और औरत का काम घर को जन्नत निशान बनाना है शारीन हदीस ने इस हदीस की शर में इस टुकड़े की शरह में बहुत सारी बातें लिखी हैं। चंद बातें मैं आपके सामने पेश करता हूं औरत की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो घर के सामान की और घर की चीजों की हिफाजत करे कौन कौन सी चीजें घर में शोहर ने ला रखी है किन किन चीज़ों का इंतज़ाम किया है उनकी खबरगिरी करना उनकी हिफाजत करना ये बीवी की जिम्मेदारी है बाैसीियत माँ और बाइसियत बीवी औरतों की ज़िम्मेदारी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो घर के जितनी भी सामान है जितनी भी चीज़ें हैं उसकी हिफाजत करना एक औरत की जिम्मेदारी उनको मुनज़म करके रखना एक औरत की जिम्मेदारी है वो घर में रहती है इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को रोज़ी कमाने से या बाहर रोजी पैसा रुप रुपया कमाने की जिम्मेदारी से दूर रखा आज़ाद रखा है पैसा कमाना शोहर की ज़िम्मेदारी औरत की दूसरी जिम्मेदारी है कि घर की जितनी भी चीज़ें हैं सबको साफ़ सुथरा करके मुनम करके रखना नंबर एक हिफाजत करना नंबर दो उनको मुनम करके रखना जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए फौरन मिल जाए वरना घरों में झगड़ा इस बात पर भी होता है अरे वो सामान कहाँ है वो सामान कहाँ है जब कोई काम का वक्त आता है सामान नहीं मिलता और कभी कभी बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं कोई चीज वक्त पर ना मिलने की वजह से चाहे वो खाने पीने की चीजें हों चाहे वो कागजात की शक्ल में कोई चीज हो चाहे बच्चों की सर्टिफिकेट हो ये सारी चीजें तीसरी जिम्मेदारी ये है कि औरत घर के अंदर रहे तो वो घर की तमाम कपड़ों की जो भी कपड़े पहनने के लायक है या पहनने की जरूरत जिनकी पड़ती है उनकी सफाई करे बिस्तर की सफाई करे जहाँ पे आदमी आराम करता है सोता है क्योंकि बाहर से आदमी थका मादा आता है उसको आराम की ज़रूरत होती है इसी तरह औरत की जिम्मेदारी है कि वक्त पर उमदा खाना बना करके दे बच्चों को भी शौहर को भी खाना ये भी इंसान की ज़रूरत है वक्त पर खाना ना मिलने से भी घर में झगड़ा होता है कि आदमी थका मादा घर में आया टाइम पे खाना नहीं मिला और टाइम पे खाना ना मिलने से घर का पूरा निज़ाम गड़बड़ हो गया इसी तरह खाने से मतलब एक अदब यह भी शार नदीस ने लिखा है कि खाना बहुत ज़्यादा ना पकाया जाए कि आदमी का खाना खाने के बाद आदमी के घर में खाना ज़ाय हो रहा है इतना ज़्यादा बना लिया कि रोज़ाना खाना जो है डस्टबिन में जा रहा है कूड़ेदान में जा रहा है तो खाना बहुत ज़्यादा बनाना ये भी एक खराबी है घर की खराबियों में से कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाया और उसको ज़ाए कर दिया इसी तरह से बच्चों के बारे में भी तरबियत की जिम्मेदारी औरत की है आदमी को वक्त नहीं मिलता बच्चों के साथ बैठने के लिए या बच्चों के साथ कुछ जो है सीखने सिखाने का मौका उनको कम मिलता है रोजी रोटी कमाने में बिजी रहता है तो बच्चों की तरबियत से मुतल भी चंद अहम बातें पेश खिदमत हैं सबसे पहली बात ये किस बच्चे का स्कूल जाने का कौन सा टाइम है कौन बच्चा कब स्कूल जाएगा किस दिन में उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है किस दिन में वो कौन कौन सी किताबें पढ़ता है कि ट्यूशन जाने का वक्त क्या है स्कूल से वापस आने का वक्त क्या है यह सारी जिम्मेदारी किसकी होती है माँ की होती है तो यह घर की जिम्मेदारियां औरतों के सर अल्लाह के रसूल ने बताई हैं और खुद मोहम्मद ने वजात के साथ फरमा दिया बैत औरत अपने शोहर के घर में जिम्मेदार है बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है चंद बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं अगर वक्त पर आदमी को खाना अच्छा मिले साफ सुथरा कपड़ा मिले सारी चीजें वक्त पर मिल जाए जब जिसकी जरूरत हो घर में झगड़ा नहीं होगा बच्चों की तरबियत अगर औरत करे और उनकी खबरगिरी करे बच्चे भी तरक्की करेंगे और शोहर को भी सुकून रहेगा तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के अंदर जो बयान की हैं एक मर्द की जिम्मेदारी क्या है एक औरत की जिम्मेदारी क्या है अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे तो इन शाह झगड़ा नहीं होगा और हमारे घर जन्नतान बन जाएंगे अल्लाह से दुआ कर हम सब को अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की तोफीकदा फरमा और ईमान के साथ महदरसि फरमा सबकुम ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोज़ देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला खैरन